सत्संग नहीं, ये मनोरंजन है, ये सत्संग नहीं। सत्संग का मतलब क्या है? सत्य नाम है परमात्मा का, और परमात्मा का संग करना यही सत्संग है। इसके अतिरिक्त कोई दूसरा सत्संग हो नहीं सकता। भगवान शंकर सत्संग की महिमा देखिए तो सही, कैलाश से उतर करके सत्संग सुनने दक्षिण में गर्मी में पहुंच गए। मतलब क्या है कि सत्संग के लिए तपस्या करनी पड़े तो आप चिंता नहीं करना। अपने हिंदू धर्म में अधिकतर देवताओं के मठ मंदिर जितने भी बने हैं करीब करीब ऊंचाई पर बने, करीब करीब सभी पहाड़ों पर। कहाँ बने हैं? तुम्हारे यहाँ तो माता जी का नाम ही है पहाड़ों वाली माता है। कहाँ वाली माता? पहाड़ों वाली माता तो है, तुम्हारा बाप भी तो पहाड़ों वाला है, इसका भी कहा करो कभी, इसको तो कभी नहीं कहते। महाराज पहाड़ों का मतलब क्या है? पहाड़ों पे बसने का मतलब यही है ताकि परमात्मा तुमको तपश्चर्या करनी सिखा सके, ताकि परमात्मा सिखाए कि जब तप करोगे, जब जप करोगे तब मेरी प्राप्ति होगी, तप और जप के बिना मेरी प्राप्ति होने वाली नहीं। ये सिद्धांत है हमारा, ये विचार करने की बात है। भगवान शंकर चले गए सत्संग करने के लिए, नारद जी के मन में आया कि हमको भी कुछ लीला करनी। ये जितने संत होते ना सब बड़े बोलो ना, लेकिन बात जरा प्राइवेट है, कहना नहीं किसी को। संत लोग जितने मजे लेते हैं उतने तुम ले ही सकते हो, पक्की बात। तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारी पत्नी तो नहीं आई साथ? एक बात बता सच्ची सच्ची, झूठ नहीं बोलना। तुम्हारी पत्नी ने कभी तुमसे हाथ जोड़ के पूछा है स्वामी जी क्या खाओगे? बोलो बोलो। और हम इनके घर चले जाए ना, हमसे जरूर पूछेगी स्वामी जी क्या खाओगे, तो बोलो मजे तुम्हारे हैं क्या हमारे? बोलो बोलो बोलो। शंकर भगवान सोचने दिया, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर ये कथा कौन सी चल रही है, क्या सुना रहा हूँ मैं तुमको? शिव पुराण चल रही है। क्या चल रहा है बोलो? शक्लें तुमने गरुड़ पुराण जैसी बना रखी है, शक्लें देखो इनकी, जिदप्पो हो चाहे होंगे, दोनों हाथ खोल के मिल के गाइए, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। Milka